So very good morning to one and all. I hope I am audible. If someone can please write in the chat box. So we are starting with today's session. Okay. So yesterday we have touched upon the important concept of strength and weakness. We call that as a SWOT analysis. जहां पर कि we have seen strength, weakness, opportunities and threats, right? So today we'll in deeper we try to understand what could be the different strengths and weakness. हमारे क्या strength and weakness हो सकते हैं? कल हमने goal setting को भी touch किया था. आज हम लोग depth में देखेंगे कि goal setting के कुछ एक measurements होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं, right? उसके बाद हम लोग देखेंगे self management skills and tips. ऐसे कौन से टिप्स होते हैं जिससे कि मैं अच्छे तरीके से अपने स्किल्स डेवलप कर सकता हूं सेल्फ मैनेजमेंट के लिए. और कल मैंने एक आपको एक्टिविटी दिया था, आई होप आपने किया होगा, उसको भी हम लोग डेप्थ में करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आपको हेल्प करेगा पता करने के लिए कि मेरे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या है या मेरा सेल्फ अवेयरनेस क्या है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, राइट? सो कल आपको बताया गया था कि आपको तीन आइडेंटिफाई करने हैं आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. अगर कोई प्लीज चैट बॉक्स में डाल सकता है कि आपके तीन स्ट्रेंथ कौन से हैं, तो थोड़ा सा हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. इफ समवन कैन प्लीज एंटर थ्री स्ट्रेंथ और वीकनेस इन द चैट बॉक्स. ओके, सो समबडी इज राइटिंग फॉर स्ट्रेंथ. सो प्लीज आप अपने स्ट्रेंथ बताइए, कौन से आपके तीन स्ट्रेंथ हो सकते हैं, ताकि हम लोग स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से समझ पाए. राइट, सो स्ट्रेंथ क्या हो सकते हैं? सो वी स्टार्ट विद स्ट्रेंथ्स लाइक जैसे कि कम्युनिकेशन. यस, कम्युनिकेशन कैन बी वन, राइट? अब अगर मैं देखूं तो आज अगर मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ या मैं बहुत सारे पैनल ऑफ इंटरव्यू में बैठा हूँ, तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ होते हैं वो आप देख सकते हैं, तीन रेड कलर में दिख रहे होंगे आपको. द फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, दूसरा है अडेप्टेबिलिटी और तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी. राहुल हैज सेड कि उसके स्ट्रेंथ है गुड कन्विंसिंग पावर व्हाइल मेकिंग सेल्स और एक्सप्लेनिंग थिंग्स, इज विद टेक्नोलॉजी. वेरी राइट राहुल, दिस बिकम्स योर स्ट्रेंथ. कन्विंसिंग पावर मतलब हम लोग बोलते हैं हाउ डू यू कन्विंस अदर, जिसको हम लोग पर्सुएशन स्किल्स बोलते हैं. और दूसरा आपका है ईज विद टेक्नोलॉजी, आप बहुत आसानी से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर सकते हैं, जो आपका एक अडेप्टेबिलिटी का भी एक टाइप होता है. सो द बेसिक इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ कुड बी फॉर ऑल ऑफ यू, इट शुड बी कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है आप किस तरीके से चेंजिंग सिचुएशन पे, चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितना अच्छे तरीके से फ्लेक्सिबल है चीजों को अडेप्ट करने में. और जैसे आप फॉर एग्जांपल आपको नागपुर हेडक्वार्टर दिया गया है और आपको बोला गया कि आपको 15 दिन के लिए बाजू में विदर्भ में अमरावती जाना है, तो कैन यू गो और नॉट, सो दैट बिकम्स योर फ्लेक्सिबिलिटी. क्विक लर्नर, आज हम कोई भी नई इंडस्ट्री में जाते हैं हमको पहले उसका प्रोडक्ट नॉलेज गेन करना पड़ता है. वॉट एवर वी हैव लर्न इन कॉमर्स और आर्ट्स, वो जरूरी नहीं है कि वैसा का वैसा आपको काम आएगा, राइट? तो हमको वी नीड टू हैव दिस स्किल ऑफ क्विक लर्निंग, कितने जल्दी से आप जल्दी प्रोडक्ट नॉलेज गेन कर सकते हैं. आर यू क्रिएटिव, बेसिकली आर्ट स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिविटी बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इनफैक्ट नाउडेज इन बिजनेस ऑल्सो आपके लिए क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्रिएटिविटी यहाँ पे सिर्फ मतलब आपका कुछ नया करने से नहीं होता है, आप किस तरीके से अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा क्रिएटिविटी होता है. टेकिंग इनिशिएटिव, चाहे आप जॉब में हो या आप बिजनेस कर रहे हो, किस तरीके से आप नए नए तरीके ढूंढ सकते हैं चीजों को प्रमोट करने के, उसको हम बोलते हैं टेकिंग इनिशिएटिव. नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का मतलब होता है किस तरीके से आप लोगों से अपने आप को जोड़ सकते हैं, राइट? और आप जितना लोगों को जोड़ेंगे उतने आपका कस्टमर बेस बनता है, या जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर है उनको आप कितना अपने तरफ खींच सकते हैं, दैट बिकम्स योर नेटवर्किंग स्किल्स.
नेगोशिएशन स्किल, नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ बार्गेन नहीं होता कि जो मैं सब्जी वाले के साथ जाके करता हूँ, एक्चुअली में नेगोशिएशन का मतलब होता है कि जब मैं पूरा ट्रांजेक्शन है, जैसे कि प्राइसिंग, डिलीवरी, क्रेडिट, गारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड, ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं नेगोशिएशन स्किल। आप किसी के साथ जब भी डील करते हैं, आपका नेगोशिएशन स्किल कैसा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आर यू अ हार्ड वर्किंग, क्या आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं? बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। आपको स्मार्ट वर्क तो करना ही है, लेकिन स्मार्ट वर्किंग के साथ आपको हार्ड वर्किंग भी करना होगा। पंक्चुअलिटी, आप कितना टाइम पर जा सकते हैं, राइट? उसके बाद है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड का मतलब होता है कि किस तरीके से मैं किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। कोई अगर प्रॉब्लम आता तो मुझे उसको पकड़ के नहीं रखना है, इनफैक्ट आई हैव टू कम विद द प्रॉब्लम। आप जब भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, आप अगर हमेशा अपने बॉस के पास प्रॉब्लम लेके जाएंगे तो आपका इंप्रेशन सही नहीं होता है। आपको प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी लेके जाना है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है कि मैं किस तरीके से डिसीजन दे सकूं। डिसीजन, हाउ डज डिसीजन कम? जब भी हमारे पास एक से ज्यादा ऑल्टरनेटिव होते, बहुत सिंपल भी हो सकता है, जैसे कि मुझे मूवी देखने जाना है और मेरे पास एक दो तीन ऑप्शन है, तो जहां पर भी आपके पास ऑल्टरनेटिव है वहां पे डिसीजन मेकिंग आता है। उसके बाद है आपका लीडरशिप स्किल, क्या आप अपने टीम को साथ में लेके चल सकते हैं, क्या आप अपने टीम को एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लीडरशिप स्किल। और बहुत इंपॉर्टेंट, आर यू अ गुड लिसनर, क्या आप पहले सुनते हैं फिर रिएक्ट करते हैं। नॉर्मली ऐसा मिथ है, ऐसा लगता है सेल्स वालों को कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटर होना चाहिए या उन्होंने स्पीकिंग स्किल्स होना चाहिए, ऐसा हमेशा नहीं होता। रादर फर्स्ट यू शुड बी अ गुड लिसनर। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं है, अगर आप कस्टमर को समझ नहीं सकते तो आप एक अच्छे सेल्समैन नहीं बन सकते। तो अब कुछ चैट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैं उनको एक बार चेक करता हूँ। सो जैसे हमने स्टार्ट किया था, राहुल हैड रिटन कन्विंसिंग पावर। यस, कन्विंसिंग पावर इज वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी। फिजिकली वेल मेंटेन्ड माइसेल्फ सो रेडी टू ट्रेवल फॉर माई जॉब एज मार्केटिंग सेल्स कैंडिडेट। बिल्कुल सही बात है। आपको ग्रूमिंग, ग्रूमिंग का मतलब है आप खुद को किस तरीके से मेंटेन करते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आपका पहनावा, आपका रहन सहन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, somebody has written weakness, weakness next slide में हम लोग देखेंगे। उसके बाद है आपका लैंग्वेज, मैं आपको आता हूं इसके ऊपर। टेकिंग इनिशिएटिव, राइट? अब टेकिंग इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? टेकिंग इनिशिएटिव का मतलब होता है किस तरीके से मैं नए चीजों को स्टार्ट करता हूं। एग्जाम्पल, मैं नागपुर में एक रेस्टोरेंट में, या नागपुर में एक मेरा खुद का रेस्टोरेंट है, राइट? अब उसमें मुझे क्या करना है कि इनिशिएटिव लेना है, नई चीजें लेना है। जैसे कि आज तो ठीक है, कोविड आने के बाद हर कोई होम डिलीवरी दे रहा है, लेकिन आज से दो साल पहले, चार साल पहले जब ये कंसेप्ट चालू हुआ तो उसको हम बोलते हैं टेकिंग इनिशिएटिव, ठीक है? दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं। आज बहुत सारे कोचिंग क्लास वाले हैं, वो आज अपना काम नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, लोग आपके पास आ नहीं सकते। सो इन दैट केस अगर वो ऑनलाइन कोचिंग चालू करता है तो दैट बिकम्स टेकिंग इनिशिएटिव। सो टेकिंग इनिशिएटिव मोर ऑर लेस नौकरी के लिए ये होता है कि आप किस तरीके से नए नए तरीके ढूंढते हैं सो दैट आप कस्टमर को अपनी तरफ खींच पाए। दिस इज टेकिंग इनिशिएटिव। दीपक, इज इट क्लियर? ओके, नाउ दीपक इज आस्किंग नेगोशिएशन स्किल। नेगोशिएशन, हमारे आम भाषा में लोगों को लगता है कि नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ बार्गेनिंग होता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में जब भी हम एक सेल्स प्रोसेस करते हैं, मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे क्या क्या आता है? आपका प्राइस, प्राइस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है आपका डिलीवरी, पेमेंट डिलीवरी कंडीशंस, डिलीवरी कहाँ पे होगा, अगर दूसरे शहर का है तो उसमें चार्जेस साथ में होंगे या चार्जेस अलग होंगे, गारंटी या वारंटी है या नहीं है, आफ्टर सेल सर्विस है या नहीं है, पेमेंट क्रेडिट कितना है, कैश में देना है, एक महीने में देना है, दो महीने में देना है, दिस ऑल कम्स अंडर पेमेंट क्रेडिट। सो नेगोशिएशन में आपका प्राइसिंग, पेमेंट क्रेडिट, गारंटी वारंटी, आपका डिलीवरी चार्जेस, ये सब चीजें आपके
अंदर आती है नेगोशिएशन में, तो प्राइस के अलावा भी बाकी काफी चीजें होती है जिसको हम लोग टोटल लैंडिंग कॉस्ट बोलते हैं, वो हमारा नेगोशिएशन स्किल होता है। सो आई होप आई एम क्लियर। सो फटाफट मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, हमारे लिए इन स्किल में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सबसे पहला कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एम आई इन अ पोजिशन टू कम्युनिकेट विद अदर्स, क्या मैं मेरे मन में जो है वो किसी और को समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं। यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा अडैप्टेबिलिटी, क्या मैं चीजों को बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेता हूँ, क्या मैं नॉर्मली, लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, पीपल रेजिस्ट चेंज, हर इंसान चेंज को रेजिस्ट करता है, लेकिन आज के समय पे आपको अडैप्टेबल बनना पड़ेगा। जो जैसे चीजें आ रही है आपको फास्ट लेनी पड़ेगी। जैसे कि हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, आपको बोला गया कल से आपको घर पे काम करना है, तो आपको अपने आप को अडैप्टेबल बनना पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना पड़ेगा और आपको अडैप्टेबल की तरह से फटाफट काम करने होंगे। आपको फ्लेक्सिबल है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बैंक में नौकरी करने जाते हैं, आपको कैशियर का रोल मिला, कैशियर के बाद आपको बोला जाता है कि ठीक है कैशियर तो ठीक है, लेकिन बैंक बंद होने के बाद आपको 4-5 सेल्स कॉल भी करने पड़ेंगे, तो आपको उसके लिए फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा, राइट? ओके, देन नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन के साथ बॉडी लैंग्वेज भी अपनी स्ट्रेंथ हो सकती है, यस, बट देन ओवरऑल इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम लोग देखते हैं वीकनेस में मुझे कहां प्रॉब्लम होती है, और हमारे लिए ज्यादा तकलीफ वाला है वीकनेस। अब आप देखेंगे मैंने वीकनेस में भी कम्युनिकेशन को रखा है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ अस, हम में से 80% 90% लोगों का सबसे बड़ा वीकनेस कम्युनिकेशन होता है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, सो मैं आपको चैट बॉक्स में लिख रहा हूं, कम्युनिकेशन में इंक्लूड होता है लैंग्वेज, एक, सो लैंग्वेज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कौन से लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं या कर रहे हैं, आपके ऑडियंस को या आपके सामने जो है वो कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है। अगर उसे इंग्लिश समझ में आती है, हिंदी समझ में आती है, मराठी समझ में आती है, मिक्स लैंग्वेज समझ में आती है, तो मुझे वैसा लैंग्वेज यूज करना है। सो लैंग्वेज इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। सेकेंड होता है आपका साथ में बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या इंक्लूड है, बॉडी लैंग्वेज में आप इंक्लूड करते, हमने कल भी डिस्कस किया था, आपके गेस्चर्स, आपका पोस्चर, आपके आई कॉन्टेक्ट, आपका स्माइल, आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे खड़े रहते हैं, आपका ओवरऑल गेस्चर पोस्चर कैसा है, इसको बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। सो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल में। और तीसरा आपका उसके अंदर रहता है टोन ऑफ वॉइस। Now, what is tone of voice? I request to kindly mute, right? Disturb हो रहा है। Third आपका important होता है tone of voice. Tone of voice का मतलब क्या होता है? आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? जैसे कि मुझे बोलना है, communication is very important. In communication, there are three aspects: body language, मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, मैं अगर कर रहा हूं कम्युनिकेशन की, और मैं अगर ऐसा बोलता हूं आपको कम्युनिकेशन में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस, ये एक तरीका है। दूसरा मैं बोलता हूं देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज एंड टोन ऑफ वॉइस। सो पहला जो मैंने बोला वह मैं सिंपल बोल रहा हूं, मोनोटोनस बोल रहा हूं, एक ही लय में बोल रहा हूं, दैट इज नॉट एन अफेक्टिव स्पीकिंग, क्योंकि उसमें टोन ऑफ वॉइस नहीं है। जब मैं सेकंड में आपको बोल के बताया टोन ऑफ वॉइस, सो जहां पे आप वॉइस मॉड्यूलेशन करते हैं, जिस चीज को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है वहां पे आप पिचिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं टोन ऑफ वॉइस। सो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस, ये तीनों चीजें हमको सीखना है कम्युनिकेशन में। ओके, नेक्स्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है पब्लिक स्पीकिंग। नाउ पब्लिक स्पीकिंग का मतलब क्या होता है, क्या मैं 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बात कर सकता हूं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर मेरा सबसे बड़ा वीकनेस ये है कि क्लास में जब मैडम मुझे प्रेजेंटेशन देने को बोलती है मुझे आता तो है, लेकिन 10 लोगों के सामने मैं खड़ा होकर बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मुझे नर्वसनेस लगता है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझ में एक फियर आता है, इसको हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग फियर। ये सभी के लिए है, ये आम है, लेकिन
इसको दूर करने का एक ही सॉल्यूशन है, जितनी बार आप लोगों के बीच में जाके बोलने की कोशिश करेंगे उतनी बार धीरे धीरे आपका ये फियर दूर होगा। पहली बार, दूसरी बार आप शायद बोल नहीं पाएंगे, आपको बहुत इंसल्टिंग लगेगा, कोई तकलीफ नहीं, सभी के साथ ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे चौथी बार पांचवी बार आप बोल सकते हैं। सो उसको हम बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद है शाय। मैं बहुत शाय नेचर का हूँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूँ। कल किसी ने मुझे मैसेज किया था कि सर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एक वीकनेस है क्या? हाँ, काफी हद तक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी एक वीकनेस होती है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? आप लोगों से घुल मिल नहीं सकते, आप लोगों से बात नहीं कर सकते। तो आपको क्या समझना है, अगर मैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूं तो मैं सेल्स जॉब के लिए फिट नहीं हूं, तो मुझे फाइनेंस वाला जॉब देखना पड़ेगा, अकाउंट्स वाला जॉब देखना पड़ेगा, जहां मेरा लोगों से मिलना जुलना काफी कम है। वेयर एज अगर मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी हूं, मैं चैट बॉक्स में राइट कर रहा हूं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है कि मैं बहुत ज्यादा मिलनसार हूं, मुझे लोगों से बात करना पसंद आता है, मेरे में पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉब्लम नहीं है, मैं बहुत खुल के बात करता हूं, उसको हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। सो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी आपका स्ट्रेंथ हो सकता है। और अगर आप इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है और अगर आप सेल्स के जॉब के लिए जा रहे हैं तो वो आपका वीकनेस है, लेकिन अगर आप ये अकाउंट्स के जॉब के लिए जा रहे हैं तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी आपका वीकनेस नहीं है। ये हमको समझना पड़ता है। इसका मतलब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ जॉब, आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहेगा, आपको किस तरीके का काम करना है, उसके हिसाब से आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस डिसाइड होते हैं। ये हम कभी फिर किसी सेशन में पढ़ेंगे कि रेज्यूम बनाते समय स्ट्रेंथ और वीकनेस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं अभी कि वीकनेस क्या क्या हो सकती है। सो वी हैव सीन कम्युनिकेशन मेरा वीकनेस हो सकता है, पब्लिक स्पीकिंग मेरा वीकनेस हो सकता है, शाय नेचर मेरा वीकनेस हो सकता है, इनसिक्योरिटी। अब इनसिक्योरिटी का क्या मतलब है? कुछ भी होना और आपको डर लगना। जैसे कि जैसे COVID-19 चालू हुआ तो हम लोग सब इनसिक्योर हो गए। इनसिक्योर क्यों हो गए? अरे बापरे अभी क्या होगा, अभी तो बिजनेस नहीं है। इनसिक्योरिटी है, लेकिन इसमें भी आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ, इसमें भी आपको जरिए ढूंढने हैं कि इस सिचुएशन में आप अपना फायदा कैसे ले सकते हैं। जैसे कि इस समय पे आज आप देखते हैं FMCG कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, इनफैक्ट उनकी सेल्स बढ़ गए हैं। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जो कुरियर है, जैसे कि कुरियर कंपनीज है, या हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं आपका ऑनलाइन प्लेयर्स का, जैसे कि Amazon। सो Amazon का एकदम से सेल्स बहुत बढ़ गया है। तो ये ऐसी कंपनीज है जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑनलाइन टीचिंग, फिर वो क्लासेस हो, जैसे कि बायजू का आपने नाम सुना होगा। आप देख रहे हैं सडनली पिछले 6 महीनों में बायजू का सेल्स बहुत बढ़ गया, तो ये आपका अपॉर्चुनिटी है। तो आपको हमेशा इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, आपको प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। ठीक है, एग्रेसिव, यस एग्रेसिव बहुत ज्यादा होना ऑल्सो वीकनेस। एग्रेसिव मतलब बहुत जल्दी आपको गुस्सा आना, आप अपना आपा खो देते हैं, आप अपना टेम्पर खो देते हैं, उसको हम बोलते हैं एग्रेसिव नेचर। एरोगेंट, एरोगेंट मतलब क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा आर्ग्यू करते हैं, आप किसी से बात करते हैं आप उसको सुनते नहीं है और आप उससे पहले आर्ग्यू करते हैं, उसको हम बोलते हैं एरोगेंट नेचर। ये भी आपका वीकनेस हो सकता है। आप बहुत इम्पेशेंट है, इम्पेशेंस आप में बहुत ज्यादा है, आप सब्र नहीं है आपको, दैट ऑल्सो बिकम्स योर वीकनेस। आप बहुत डरते हैं, फियरफुल। आप मूडी है, आप अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं, हमेशा ऐसा नहीं चल सकता, दैट ऑल्सो बिकम्स योर वीकनेस। नेगेटिविटी, आप में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, आप हर चीज में पहले कमियां ढूंढते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव नेचर। इनफैक्ट अगर आप बिजनेस की बात करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो आप में पॉजिटिव नेचर होना चाहिए। हमेशा नेगेटिव पीपल आर नॉट गुड। लेजीनेस, आप में लेजीनेस नहीं है, लेजीनेस है, पंचुअलिटी नहीं है, ये भी आपका वीकनेस हो सकता है। आप बहुत स्लो है, और वो स्लो क्या हो सकता है, स्लो आप काम करने में भी हो सकते हैं, स्लो आप लर्निंग में भी हो सकते हैं, वो भी आपका वीकनेस है। आप शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, ये भी आपका वीकनेस है। और कंप्लेनिंग, आपको हमेशा दूसरों में गलती दिखती है, दूसरों की आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, ये भी आपका वीकनेस हो सकता है। सो इफ एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम इन वीकनेस, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। हमको ये कोशिश करना है कि ये जो हमने वीकनेस मेंशन किए हैं, ये वीकनेस को हमको धीरे धीरे दूर करना है। सी, इंसान है, उसमें वीकनेस तो होगा ही, लेकिन
हमको यह देखना है कि ये वीकनेस को मैं अपना स्ट्रेंथ कैसे बनाऊं। एक लर्नर कौन है? लर्नर वो है जिसको समझ में आता है पहले कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है। तो आपने देखा आप में ये वीकनेस है, नाउ आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया, नेक्स्ट स्टेप इज हाउ कैन आई कन्वर्ट माय वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। नेक्स्ट मेरा स्टेप होगा कि अब ये जो मेरा वीकनेस है इसको मैं अपना स्ट्रेंथ कैसे बनाऊं। ओके, सो somebody has written, please explain arrogant point. Arrogance का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बोला इधर आइए और आप कल टाइम पे क्यों नहीं आए थे, तो आप एक तो क्या करते हैं, अरे कहाँ से आऊंगा, कोविड चालू है, मुझे ऑटो में नहीं मिलता और बारिश आ रही थी। तो आप क्या करते हैं, आप एरोगेंस करना शुरू करते हैं, आप सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, एंड यू स्टार्ट सी कुछ हद तक एरोगेंस और जो कंप्लेनिंग यहाँ पे कॉमन हो रहा है, आप अपना आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, आप अपनी गलती नहीं मान रहे, उसको हम बोलते हैं आप बहुत ज्यादा एरोगेंट है, राइट। और किसी ने पूछा है, यस, डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड शॉर्ट टेम्पर। एग्रेसिव नेचर के लोग कौन होते हैं? जो बहुत जल्दी एकदम अपना आपा खो देते हैं। और एक आपने लिखा है शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, थोड़ा भी कुछ हो गया तो आपका चेहरा एकदम लाल लाल हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड। सो ओवरऑल आपको ये समझना है कि आप में तो कमियां बहुत रहेगी, क्योंकि इंसान में कमियां होती है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं किस तरीके से अपने कमियों को छुपा सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपने कमियों को स्ट्रेंथ बना सकता हूँ, ये आपको देखना है। और इम्पोर्टेंट ये होता है आप किस तरीके का जॉब करना चाहते हैं। कल मैंने आपको बोला था आपको लाइक और डिसलाइक आपके समझने पड़ेंगे, उसी तरीके से आपको आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना पड़ेगा और स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से आपको जॉब प्रोफाइल ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं लेजी हूं, जैसे कि मेरे में पब्लिक स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, जैसे कि मेरे में पेशेंस नहीं है, तो मैं सेल्स के जॉब के लिए फिट नहीं हूं। पहले मुझे ये क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा तो ही मैं सेल्स जॉब के लिए फिट हो पाऊंगा। आई बिलीव फास्ट एवरी सॉर्ट्स ऑफ वीकनेस, आई बिलीव फास्ट एवरीवन। अब सर आपने क्या लिखा मैं समझ नहीं पाया, तो आप थोड़ा सा उसको अगर एलोबरेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी हमने दो चीजें देखी, स्ट्रेंथ और वीकनेस। मैं फटाफट आपको रिकैप करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको आगे बताएगा कि आप किस तरीके से अपना सेल्फ अवेयरनेस करेंगे और आप आगे लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका करियर क्या रहेगा, ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस में डिपेंड करता है। सो आपके लिए एज अ स्टूडेंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडेप्टेबल नेचर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और आप में गुड लिस्नर होना चाहिए। ये चार चीजें मिनिमम यहाँ से होनी चाहिए। वीकनेस में धीरे धीरे आपको जो आपका कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है उसको दूर करना है। वो कैसे दूर होगा? अगर आप लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, और थोड़ा सा आपको रीडिंग स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ता है, और नॉलेज बढ़ने की वजह से क्या होगा, आप अच्छा बोल पाते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और पब्लिक स्पीकिंग, स्पेशली अगर मैं सेल्स जॉब की बात कर रहा हूँ, तो आपके लिए पब्लिक स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग लाना होगा। आप अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और हार्ड वर्किंग होगा। ये सब चीजें हमको हमारे स्ट्रेंथ में लानी पड़ेगी। ओके, somebody has asked about लीडरशिप स्किल। लीडरशिप स्किल का मतलब होता है कि किस तरीके से मैं अपने टीम को आगे लेके जाता हूँ। जैसे कि आपने अभी हम लोग वर्कशॉप कर रहे हैं और हमने एक ग्रुप बनाया, अगर आप में से ही, अब देखिए कैसे पहले हम लोग इनिशिएटिव लेंगे और ये इनिशिएटिव आपका लीडरशिप स्किल बनता है। तो आप में से कोई एक स्टूडेंट सामने आता है और वो क्या इनिशिएटिव लेता है कि फ्रेंड्स हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ऐसा कोई एक असाइनमेंट बनाते हैं, ऐसा करते हैं ताकि हम सबको इसमें फायदा होगा, जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस। तो हम लोग सर को क्या है अपने तीन तीन स्ट्रेंथ और वीकनेस सबने किए कि नहीं किए वो मैं देखना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई फॉलो अप लेता और चैट बॉक्स में डालता या मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डालता, तो मैं क्या करता, आपको उसमें से चेक करके बता पाता। समबड़ी कल किसी ने मुझे पूछा सर इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी वीकनेस है क्या, तो मैंने उनको रिप्लाई किया। सेम अगर आप में से कोई इनिशिएटिव लेता और तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसने जो ये इनिशिएटिव लिया ये अपनी लीडरशिप स्किल डेवलप कर रहा है। मतलब लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को साथ में लेके चलना, लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को एनकरेज करना
लीडरशिप का मतलब होता है आप लोगों को अपना फॉलोअर बनाते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लीडर है, राइट? तो इसका मतलब होता है कि उनमें क्या है, एक लीडरशिप स्किल है जहां पर कि आप लोगों को साथ में लेके चल सकते, लोग आपको फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लीडर। तो ये जो लीडरशिप स्किल है ये आप में धीरे धीरे आता है, लेकिन हाउ टू स्टार्ट, आपको स्टार्ट करना है इनिशिएटिव लेने से। आप किस तरीके से इनिशिएटिव लेंगे उसको हम बोलते हैं टेकिंग इनिशिएटिव स्किल्स, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। सो हमने स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों कवर कर लिया। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप अगर अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप सेल्फ अवेयरनेस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि कम से कम 3 या कम से कम 5-5 हम लोग हमारे स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करें। सिर्फ आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होगा, ये आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि अच्छा मेरे में ये स्किल है, मेरे में ये वीकनेस है, उसके हिसाब से टॉप प्रोफाइल होना चाहिए। और अगर मेरे में ऐसा कोई वीकनेस है जो बहुत जरूरी है तो मैं धीरे धीरे काम करूंगा उसको बनाने के। आज जो आपका वीकनेस है वो हमेशा आपका वीकनेस रहेगा ऐसा जरूरी है। आपका वीकनेस स्ट्रेंथ भी बन सकता है, अगर हम वीकनेस में काम करेंगे तो आप स्ट्रेंथ बन सकते हैं। जैसे कि वे बैक बहुत पहले जब मैं नया नया सेल्स जॉब में था, मैं फास्ट बोलता था। तो बहुत फास्ट बोलने की वजह से क्या होता था कि जो मेरे सामने बैठा है वो मुझे समझ नहीं पाता था। तो मुझे ट्रेनिंग दिया गया, अजय यू हैव टू टॉक स्लोली, यू हैव टू टेक पॉजेस। तो धीरे धीरे मैंने उसको इम्प्रूव किया। तो आज आप क्या कर सकते हैं, आज आपका एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। सो अगर आप में कोई कमी है तो वो हमेशा आप में कमी रहेगी ऐसा नहीं है। आप सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप उसको आइडेंटिफाई करिए। वंस यू हैव आइडेंटिफाई योर वीकनेस, और अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उस वीकनेस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रेंथ में। लेकिन वही वीकनेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी पे हम लोग काम करेंगे। अदरवाइज क्या होता है, अगर मैं सिर्फ वीकनेस पे काम करूंगा तो मेरी स्ट्रेंथ जिंदगी में कभी बनेगी नहीं। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज जो वीकनेस मेरी स्ट्रेंथ का रोड़ा बन रही है, वो वीकनेस जो आगे जाके मेरे जॉब में मेरे लाइफ में मुझे बहुत तकलीफ देने वाली है, मैं वही वीकनेस पे ज्यादा काम करूंगा और उसको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करूंगा। सो आई होप नाउ इट्स वेरी क्लियर, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, राइट? तो हमने कल पढ़ने की कोशिश किया था कि गोल सेटिंग क्या होता है, क्योंकि वीकनेस और स्ट्रेंथ जब मैं आइडेंटिफाई करता हूं तो मुझे अपने गोल सेट करने, जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप सबका गोल सेटिंग होना चाहिए। मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका गोल सेटिंग क्या है। तो गोल सेटिंग क्या हो सकता है कि मैं 2 साल बाद 3 साल बाद अपने को एक बैंक में देखना चाहता हूँ, ये एक मेरा गोल हो सकता है। तो ये गोल आपका सही है या नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, सर मैं चाहता हूं मैं एक गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं। आपने क्या बोला, व्हाट इज योर गोल? तो somebody replied कि गवर्नमेंट जॉब में करियर बनाना मेरा गोल सेटिंग है। अब ये सही है या नहीं सही है ये हम लोग गोल सेटिंग में देखते हैं, क्योंकि एक सही गोल किसको बोलते हैं, जो स्मार्ट हो। या स्मार्ट का मीनिंग क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज स्मार्टनेस। स्मार्टनेस का मीनिंग क्या है अब हम समझने की कोशिश करेंगे। सो स्मार्टनेस स्टार्ट्स विद एस। एस का मतलब होता है आपका जो गोल है वो क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल सही होने के लिए गोल नीड्स टू बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब SMART, जहां पर एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। आपका गोल एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे कि आप बोलते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं आप आगे क्या करना चाहते हैं, आप बोलेंगे मैं नौकरी करना चाहता हूँ। नौकरी करना चाहता हूँ ये स्पेसिफिक गोल नहीं है। आप बोलेंगे सर मैं बैंकिंग में नौकरी करना चाहता हूँ, ये आपका स्पेसिफिक गोल है। आप अगर और अच्छे से बोलते हैं, सर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक में नौकरी करना चाहता हूँ, ये और स्पेसिफिक हो गया। सो अ स्पेसिफिक गोल इज वन दैट इज क्लियरली डिफाइंड। सो गोल, हम लोग गोल क्यों सेट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। मैं गोल इसलिए सेट करता हूं ताकि मैं उस पर काम करूं और उसको अचीव कर पाऊं। लेकिन अचीव करने के लिए गोल क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए।
और स्मार्ट में से एस क्या होता है, गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लिया, कहाँ जॉब करना है, सर मैं जॉब करना चाहता हूँ, नो मैं सर बैंक में जॉब करना चाहता हूँ, और स्पेसिफिक सर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऐसी बैंक में जॉब करना चाहता हूँ, बिकम्स मोर स्पेसिफिक। दूसरा, मैं किसे पूछता हूँ आपका गोल क्या है लाइफ में, आप बोलते हैं मेरा गोल खुश रहना है, बहुत अच्छा, लेकिन क्या मैं खुश रहने को मेजर कर सकता हूँ, डिफिकल्ट। तो आपका जो जॉब है वो मेजरेबल होना चाहिए। मतलब कैसा, सर मैं बैंकिंग सेक्टर में ऐसा जॉब करना चाहता हूँ जहां पर कि कम से कम मुझे 30,000 रुपए का सैलरी मिले, ये बन गया आपका मेजरेबल, आप उसको मेजर कर सकते हैं। कई चीजें ऐसी है जैसे कि हम लोग बात करते हैं हमारे इमोशंस की, उसको मैं मेजर करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए जब भी मैं गोल सेट करता हूँ वो स्पेसिफिक होना चाहिए और वो मेजरेबल होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ आपका इस बार का गोल क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहता हूँ। नाउ व्हाट इज अच्छे नंबर, तो आपको बोलना है सर मैं डिस्टिंक्शन से पास होना चाहता हूँ, सर मैं मिनिमम 80% से पास होना चाहता हूँ, तो ये हो गया आपका मेजरेबल। थर्ड थिंग, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है, आपने जो भी गोल किया है उस पे आपको एक्शन भी करना है और आपको उसको एक्शन को स्टार्ट करना है, इसको हम लोग और एक बोलते हैं एक्शन ओरिएंटेड। के साथ साथ क्या होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए। कई जगहों पे ए का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अचीवेबल, मतलब आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछता हूं बीकॉम में आप कितने परसेंट लाना चाहते हैं, आप बोलेंगे सर मैं 80% लाना चाहता हूं, वेरी गुड। फिर मैं आपसे पूछता हूं फर्स्ट ईयर में कितने थे आपको, आप बोलते हैं फर्स्ट ईयर में सर 50% थे। अच्छा, सेकंड ईयर में कितने थे, सर सेकंड ईयर में 60 थे। तो अगर मैं तीनों का एग्रीगेट निकालूंगा तो क्या 80 आ सकते हैं क्या, नहीं। सो दैट इज नॉट एन अचीवेबल गोल। अचीवेबल गोल का मतलब क्या होता है, जब भी मैं टारगेट सेट करता हूं तो टारगेट का कुछ इंप्लाइड कंडीशन होते हैं। अभी इंप्लाइड कंडीशन का मीनिंग क्या, जैसे कि आप बोलेंगे सर मुझे फर्स्ट ईयर में 60% मिले थे लेकिन दिस टाइम आई हैव सेट द टारगेट ऑफ 70%, तो ये अचीवेबल है क्योंकि मैं अपने आप से ऐसा गोल सेट कर रहा हूं जो थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करूंगा तो मैं अचीव कर सकता हूं। सो ऑलवेज आप जो टारगेट सेट करते हैं वो कैसे होने चाहिए, अचीवेबल। जैसे कि आपसे पूछा जाता है आप क्या करना चाहते हैं, आपने बोला मैं जॉब करना चाहता हूँ, वेरी गुड। नेक्स्ट आपसे पूछा कि आपका गोल क्या है, तो आप बोलते हैं सर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा जॉब करूं कि मैं एक साल में 1,00,000 रुपए कमाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप फ्रेशर के लिए, ग्रेजुएट के लिए अगर आप बात करेंगे तो एवरेज सैलरी क्या है आपकी, 15,000 से 20,000 रुपए, कई बार वो सिर्फ 10,000 रुपए। तो इस केस में आप ऐसा क्या करेंगे कि एकदम से आपको एक साल में 1,00,000 रुपए आप कमा सकते हैं। सो योर गोल शुड बी, एक तो आपको एक्शन लेना है, सेकेंडली इट शुड बी अचीवेबल, वो अचीव होना चाहिए, ऐसा आपको टारगेट रखना चाहिए। अब ये जो अचीवेबल है और जो आर है यानी कि रियलिस्टिक, ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। जैसे कि ये जो आपने गोल किया ये अचीवेबल भी होना चाहिए और ये एकदम रियलिस्टिक होना चाहिए। जैसे आपसे पूछा गया आप क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे मुझे ऐसा चाहिए, मुझे बहुत अमीर बनना है। तो एक तो अमीर बनना ये स्पेसिफिक नहीं हुआ, ये मेजरेबल नहीं हुआ, दूसरा आपको इसको रियलिस्टिक करना पड़ेगा। आप जो भी आज है अगर आप उससे 10% 20% ज्यादा की बात करते हैं तो शायद ये रियलिस्टिक है, शायद ये अचीवेबल है। So, जो आपके गोल रहेंगे वो कैसे होने चाहिए, रियलिस्टिक और अचीवेबल। मतलब ये जो ए और आर है स्मार्ट में से, जो ए और आर है ये, इसका मीनिंग क्या होगा, एक तो इसमें एक्शन लेना है, दूसरा ये रियलिस्टिक होना चाहिए, और रियलिस्टिक होना चाहिए का मतलब क्या हुआ, ये अचीवेबल होना चाहिए, तो ही हम उसको स्मार्ट गोल बोलेंगे या परफेक्ट गोल सेटिंग बोलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट टी,
टी का मतलब होता है टाइम, टाइम ओरिएंटेशन, राइट। तो टाइम ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है कि आपने जो भी गोल सेट किया वो एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए होगा। जैसे कि आप बात करते हैं जॉब की, तो मैंने आपसे पूछा, अब मैं उसको फिर से रिपीट करता हूँ। पहले मैंने आपसे पूछा आपका गोल क्या है, आपने क्या बोला, मुझे एक साल में जॉब करना है, ये स्पेसिफिक गोल नहीं। अब आप बोलते हैं सर मैं चाहता हूं कि मैं नेक्स्ट 2 ईयर्स में बैंकिंग सेक्टर में मिनिमम 30,000 रुपीज का जॉब करूं। ये आपका परफेक्ट गोल सेटिंग हुआ। सो गोल सेट करने के लिए गोल स्पेसिफिक होना चाहिए यानी कि एस, गोल मेजरेबल होना चाहिए यानी कि एम, गोल को एक्शन लेना है एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए ए, गोल आर यानी रियलिस्टिक होना चाहिए एंड एट द सेम टाइम गोल अचीवेबल होना चाहिए, और गोल का टाइम फ्रेम होना चाहिए, इट कुड बी मंथ्स, इट कुड बी ईयर आल्सो, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर। दूसरा आपसे पूछते हैं आप अभी सेकेंड ईयर में है, आपका गोल क्या है, तो आप क्या बोल सकते हैं, दो तरीके के गोल हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल लॉन्ग टर्म गोल। तो आप बोल सकते हैं सर अभी मैं सेकेंड ईयर ज्वाइन किया, मेरा शॉर्ट टर्म गोल है सेकेंड ईयर में 60% से पास होना और मुझे मेरा कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना है ताकि मैं अपना स्टेज फियर दूर कर सकूं। तो ये हो गया आपका स्पेसिफाइड शॉर्ट टर्म गोल। फिर आप बोलते हैं सर ये शॉर्ट टर्म गोल के साथ मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है कि अगले 5 साल में मैं अपने आप को कोई पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट में देखना चाहता हूं, सो दैट ऑन एन एवरेज मेरा सैलरी 50,000 होना चाहिए। सो ये आपका परफेक्ट लॉन्ग टर्म गोल हो गया। सो जब भी मैं गोल की बात करता हूं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हर साल हम लोग न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन बनाते हैं और उसको तोड़ देते हैं, उसी सेम हमको गोल सेटिंग में नहीं करना है। तो गोल सेटिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए आपका गोल क्या होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। और स्मार्ट का मीनिंग क्या हो गया, बहुत सिंपल है, एस फॉर स्पेसिफिक होना चाहिए, एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए और टी फॉर टाइम फ्रेम के साथ होना चाहिए। आई होप इट इज क्लियर। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो ये गोल सेटिंग का स्मार्ट, अभी आप समझेंगे मैं एक एक चीज आपको सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट में लेके जा रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बताया, तो आपको याद होगा फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था सेल्फ अवेयरनेस के लिए मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना जरूरी है। जब तक मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं रहेंगे मैं गोल सेट नहीं कर सकता। तो गोल सेटिंग के लिए मुझे स्ट्रेंथ और वीकनेस समझना और मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करना जरूरी है। इनडायरेक्टली अगर मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने अपना गोल सेटिंग कर लिया, दैट मीन्स आई हैव डन माय सेल्फ अवेयरनेस। इट इज एज सिंपल एज दैट। आपके ऊपर है आप अपनी लाइफ को कितना कॉम्प्लिकेट बनाते हैं या कितना इजी बनाते हैं। अगर आप सही तरीके से खुद को एनालिसिस करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत सिंपल बन जाएगी। अगर आप खुद को एनालिसिस प्रॉपर नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। जैसे काफी बच्चों के साथ देखा गया है कि आपने जब टेंथ किया तो आपको आपका स्ट्रेंथ वीकनेस नहीं मालूम था, आपको गोल सेटिंग मालूम नहीं था, आपको साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, आपने जबरदस्ती प्रेशर में आके साइंस पढ़ा, उसमें क्या हो गया आप पढ़ नहीं पाए, आपका पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म हो गया और आप 50% लेके आए। तो ये सब क्यों हुआ, दिस बिकॉज ऑफ टू रीजंस। एक तो मुझे मेरे स्ट्रेंथ वीकनेस मेरे लाइकिंग्स मालूम नहीं है, दूसरा मैं अपने पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट नहीं कर पाया कि मेरे लाइकिंग क्या है। सेम अभी कॉमर्स और आर्ट्स में भी होगा। अभी एटलीस्ट आपको मालूम चल जाना चाहिए कि मैं ये कॉमर्स क्यों कर रहा हूँ। वो कैसे मालूम चलेगा, अगर आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस देखेंगे। ये कैसे मालूम चलेगा, अगर आपको समझ में आता है मेरे लाइकिंग्स क्या है, मेरे हॉबी क्या है, तो ही तो मैं अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को अपना पैशन बना पाऊंगा, उस तरीके का मैं जॉब कर पाऊंगा, तो ही मैं लाइफ में खुश रहूंगा। तो कहीं ना कहीं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग हैप्पीनेस और ऑफ बीइंग हैप्पी इज
you have to be aware of your strength and weakness. You have to be aware of, yeah, you should know what your ideal goal is, and can you make your goal a smart one? Pyle is asking a question, measurable. Measurable का मतलब क्या है? जिसको मैं measure कर सकूं, quantity में, percentage में. जैसे कि मैंने आपको example दिया money का, जैसे कि मैंने example दिया आपको आपके result का, जैसे मैंने बोला job, तो job जहां पे आता है, आप job को measure कर सकते हैं designation से, आप job को measure कर सकते हैं salary से, percentage या आपका result. रिजल्ट को आप मेजर कर सकते हैं ग्रेड से, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास. आप सीजीपीए से मेजर कर सकते हैं या एक्चुअली परसेंटेज मेजर कर सकते हैं. तो जहां पे मेजर की बात आती है, इट हैज टू बी इन नंबर्स, इट हैज टू बी परसेंटेज, और इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ ग्रेड. आई होप पायल इट इज क्लियर. चलिए हम आगे चलते हैं. अब हम लोग देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड टिप्स. अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने ऑनेस्टली जो मैं आपको बोल रहा हूँ आपने सुना, और थोड़ा सा अगर आपने असाइनमेंट किया, असाइनमेंट क्या करना था, एक्चुअली में असाइनमेंट नहीं था, आपको सिर्फ अपने आप को 10 मिनट देने थे और आपको समझना था कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके लाइफ के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना है, जिससे कि आप खुद को सेल्फ अवेयर कर पाए. सो इनको कैसे करना, कैसे और इम्प्रूव करना, डेवलप कैसे करना, वो हम देखते हैं. पॉइंट नंबर वन, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. इनफैक्ट डे वन पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी आपने बोला था, हमारा आज लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्ट्रेस. सो वी हैव टू लर्न हाउ टू टैकल स्ट्रेस और हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. कोई ऐसा इंसान नहीं होगा वर्ल्ड में जिसको स्ट्रेस नहीं आता. खाली फर्क ये होता है कि मैं स्ट्रेस को मैनेज कैसे करूं. सो आप नीचे देखेंगे आपको कुछ दिए हुए, जैसे कि एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा आपका स्ट्रेस कम होता है. एंजॉय योरसेल्फ. एंजॉय योरसेल्फ का मतलब होता है कि आपको जो पसंद है, अगर आपको घूमना पसंद है, दोस्तों से बातें करना पसंद है, आपको मूवी देखना पसंद है, अगर आप वो करते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है. रेस्ट योरसेल्फ एज रेगुलरली एज पॉसिबल. जैसे कहा जाता है मिनिमम 7 आवर्स की आपको स्लीप होना, तो अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं, रेस्ट लेते हैं, तो भी आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है. कई बार क्या होता है, हम लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते, इससे आपको और तकलीफ होती है. Always with people you love. बीच बीच में आपको ब्रेक लेना होता है. आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, उन लोगों के साथ जिनको आप पसंद करते हैं, उन लोगों के साथ आपको जाना है, वेकेशन लेना है. अब जैसे कोविड में आप बोलेंगे सर कोविड चल रहा, वेकेशन कहाँ से लेंगे. वेरी ट्रू. तो आप क्या करेंगे, अभी आपको टेक्नोलॉजी का माध्यम लेना है. और आपको क्या करना है, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अपने एक फ्रेंड के साथ, अब ग्रुप के साथ नहीं, किसी एक फ्रेंड के साथ आप थोड़ा सा बाहर जाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाता है. टेक वॉक्स इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने कम से कम हफ्ते में 10 दिन में एक बार सनराइज देखना चाहिए, सनसेट देखना चाहिए. अगर आप नेचर में जाते हैं, आप नेचर लवर है, तो वैसे ही आपका स्ट्रेस बहुत रिड्यूस हो जाता है. And very important thing is you should know your hobbies. और आपने आपकी हॉबी frequently करते रहनी चाहिए. हॉबी जैसे मैंने कल आपको समझाया था, हॉबी इज डूइंग frequently things which I like. It could be anything. It could be drawing, it could be sketching, it could be painting, it could be cooking, it could be gardening, है ना, it could be listening to music. So, आप जो पसंद करते हैं अगर आप वो करेंगे तो क्या होगा, आपका स्ट्रेस मैनेज होगा. सो ओवरऑल अगर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट को सम करूं तो दो चीजें आपको समझनी है. एवरेज आपको 7 आवर्स का साउंड स्लीप चाहिए, आपकी अच्छी नींद चाहिए, और दिन में एटलीस्ट 1/2 आवर, आधा घंटा आपको खुद को लेना है
जो भी आपको पसंद आता है, एक्सरसाइज करने से लेके, वॉक करने से लेके, बात करने से लेके, म्यूजिक सुनने से लेके, जो भी आपकी हॉबी है, अगर आप मिनिमम हाफ एन आवर खुद को देते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं आपका स्ट्रेस बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है और आप नॉर्मल हो जाते हैं। और इससे क्या होगा, आपके लिए हर नया दिन एक नया सवेरा रहेगा और आपका स्ट्रेस काफी कंट्रोल हो जाएगा। अब मैं आगे आपको और भी पॉइंट्स बताऊंगा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो हम लोग क्वेश्चंस आपके ये 6 स्लाइड के बाद लेंगे, बट अभी आपको ये समझना है स्ट्रेस मैनेजमेंट का मीनिंग क्या हो गया, कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है, सो फर्स्ट इज थोड़ा सा आप एक्सरसाइज करिए, साउंड स्लीप लीजिए, और एटलीस्ट दिन में आधा घंटा जो मुझे पसंद है मैं वो करूंगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा काफी स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है और मैं एक नॉर्मल बन जाता हूँ, राइट। नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, कि अंदर से किसी भी काम को करने की इच्छा होना। अब क्या होता है, हमेशा आपको कोई आके मोटिवेट करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, कि जैसे आपको पढ़ाई करना है, आप क्या बोलेंगे, सर मुझ में मोटिवेशन नहीं आता पढ़ाई करने का। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल मतलब आप चाहते हैं कोई बाहर से, आपका टीचर, आपके पेरेंट्स, आपके बड़ा भाई, आपकी बहन, आपके अंकल ने आपको फोड़ना चाहिए, अरे कर बाबा पढ़ाई कर पढ़ाई कर। तो आपको बाहर से मोटिवेशन चाहिए। व्हाई कांट वी हैव अ सेल्फ मोटिवेशन। सो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू, मैं आपको उसको रीड करके बता रहा हूं, एबिलिटी टू डू वॉट नीड टू बी डन विदाउट इंफ्लुएंस फ्रॉम अदर पीपल और सिचुएशन। बिना किसी के बोलने से या बिना किसी के बोले अगर मैं अपना काम खुद कर सकता हूं अफेक्टिवली, तो उसको मैं बोलता हूं इस इंसान में सेल्फ मोटिवेशन है। सो हमारे लिए सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा ही लोग आपको पिन करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। अब एग्जाम्पल क्या आ गए सेल्फ मोटिवेशन के, अभी हम लोग देखते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि मेक इट हैपन, है ना, सिर्फ बोलना नहीं है, आपको उस पे काम भी करना है। थिंक पॉजिटिव, कोई भी काम को आपका पॉजिटिव लेना है। अब आप सोचेंगे, लास्ट स्लाइड में हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा, वहां पे भी थिंक पॉजिटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर फर्स्ट ईयर में आपको कम परसेंटेज मिले या आपका एक सब्जेक्ट ड्रॉप रह गया और अब आपको नेगेटिव लग रहा है, आपको स्ट्रेस आ रहा है कि आगे मेरा क्या होगा, मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, अगर मैं पास नहीं हुआ तो मेरा करियर कैसा बनेगा, तो उस समय फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। अब आपको स्ट्रेस आ गया तो अब आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। सिर्फ थिंक पॉजिटिव से काम नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, गोल सेट करने पड़ेंगे, और गोल में क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। आपको पढ़ाई करना चालू करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर किसी सही इंसान से गाइडेंस लेना पड़ेगा। तो इससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका रिजल्ट अफेक्टिव आएगा। तो ये सब चीजें कॉम्बिनेशन है, किसी एक चीज करने से आपका टास्क, आपका गोल पूरा नहीं होगा, ठीक है। सो सेल्फ मोटिवेशन, थिंक पॉजिटिव, डोंट वरी बी हैप्पी, प्रॉब्लम्स आएंगे प्रॉब्लम जाएंगे, हमेशा अगर मैं प्रॉब्लम को सोचता रहूंगा तो मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। डू इट, है ना, सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन करना है। डू इट, डेयर टू ड्रीम। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो उसको अचीव कैसे करेंगे, बट वंस अगेन सपने भी आपके स्मार्ट होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। तो आपको ड्रीम देखने, ऐसे ड्रीम जो आप अचीव कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं खुली आंख से आपको सपना देखना है, जिसको आप अचीव कर सको, बंद आंख से नहीं। द सेम टाइम नेवर गिव अप। नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है, कि आप कोई भी चीज में आप में कमिटमेंट होना चाहिए, कि एक बार गलती भी कोई बात नहीं। जैसे आज आपको प्रेजेंटेशन देना था, आप आए, आप नर्वस हो गए, आप बोल नहीं पाए, यू डोंट हैव टू गिव अप, फिर से आप ट्राई करेंगे, फिर से आप ट्राई करेंगे। सो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवन टाइम आपको मालूम चलेगा यस यू कैन डू इट। सो हमें नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। ये मेरा स्ट्रेंथ भी हो सकता है, आप स्ट्रेंथ में लिख सकते हैं I am having a never give up attitude. मतलब मैं चीजों को जल्दी छोड़ता नहीं और मैं कोशिश करता हूं जब तक मैं इसको अचीव नहीं करता। So never give up is also important. So यहाँ पे never give up, think positive becomes very important. और जो dreams related क्या होना चाहिए, आपने खुली आंख से सपना देखना चाहिए, ऐसा सपना जो
अचीवेबल हो. इज इट क्लियर? तो सेकेंड पॉइंट हमने क्लियर किया सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में सेल्फ मोटिवेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. आप देखिए ये भी चीजें लिंक है एक दूसरे से. मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब इनर अर्ज, अंदर से आवाज आना चाहिए, अंदर से आपको प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि मैं कर सकता हूं. ये कब होता है? जब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस कब कब रहेगा? जब आप पॉजिटिव सोचेंगे. सो गेट रिड ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन योर हेड. जो नेगेटिविटी है वो आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी क्या करती है? आपको नीचे लाती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज करती है. और अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज किया तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते. एग्जाम्पल, कई बार हम लोग पढ़ के जाते हैं और एकदम से एग्जाम के पहले आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता, और सब्जेक्ट आने के बाद भी, क्वेश्चन आने के बाद भी मैं लिख नहीं पाता, मैं भूल जाता, मुझे डर लगने लगता है. ये क्यों होता है? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है. सो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट आगे जाके जब आप रेज्यूम बनाएंगे, आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे, सो इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो आप खुद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो कॉन्फिडेंस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ टू गो अहेड इन लाइफ. तो वो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है उसको हमको उठा के बाहर फेंकना है. सो नेगेटिविटी हैज टू बी थ्रोन आउट. सेकेंड थिंग, थिंक पॉजिटिवली, ये भी हमने डिस्कस किया. नेगेटिविटी को बाहर फेंकने के लिए आपको पॉजिटिव सोचना होगा. थर्ड चीज, बी हैप्पी विथ स्मॉल थिंग्स. मीन क्या? कि आपको छोटी छोटी चीजों में खुशियां मनानी होगी, सो डैट मुझे मोटिवेशन आएगा, सो डैट मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जैसे कि मेरा टारगेट था मुझे सेकेंड ईयर में 70% लाने हैं. मैंने मैडम को एक असाइनमेंट लिख के दिया, मैंने एक टेस्ट दिया. इस बार मुझे, पिछली बार 5 मिले थे, इस बार मुझे 10 में से 7 मिले. एज आई हैव गॉट 7, आई शुड बी हैप्पी. है ना? मैंने अपने आप को एंकर करना चाहिए कि वाह, पिछली बार 5 थे, इस बार 7 मिले थे ना, अब तो पक्का इस बार मैं 70% ला के देखा. सो दैट इज बी हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स एंड ट्राई टू एनकरेज योर सेल्फ. डू नॉट फॉरगेट टू टेल योर सेल्फ दैट यू आर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट. है ना? खुद को जब आप मिरर में देखते हैं तो आपको मिरर में देखने से खुद पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए, खुद पे मोटिवेशन, ऐसा अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि नहीं, मैं स्मार्ट कर सकता. यहाँ पे स्मार्ट का मतलब है आप कितना एक्टिवली चीजों को मैनेज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मार्टनेस. आप कितना अच्छे से काम कर सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं स्मार्टनेस. तो आपको क्या करना है? क्या आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, और उसको आपको परफॉर्म करके दिखाना है कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं. छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि हम लोग ये अभी आप पढ़ रहे हैं, राइट? पढ़ते पढ़ते कुछ तो भी आपका स्क्रीन आउट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया. तो रादर देन सिंपली कंप्लेनिंग, अरे मैडम मेरा स्क्रीन चले गया, पहले आपको चेक करना होगा मेरा इंटरनेट है क्या, है ना, कोई ऑप्शन तो नहीं दब गया, बैटरी है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया. तो यू हैव टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी से बाहर आना है. तो वो आपको देखना, उसको हम बोलते हैं स्मार्ट वर्किंग. यस, एंड द लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, चैट विथ पॉजिटिव पीपल. A man is known by his company. मैं किसके साथ रहता हूँ वैसे मेरा भी बिहेवियर बन जाता है, मेरा भी एटीट्यूड बन जाता है. अगर मैं नेगेटिव लोगों के साथ रहूंगा तो आई ऑल्सो साउंड नेगेटिव. अगर मैं पॉजिटिव लोगों के साथ रहूंगा तो आई ऑल्सो साउंड पॉजिटिव. सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट इज यू शुड ऑलवेज बी विथ पॉजिटिव पीपल. जो लोग हमेशा आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव पीपल. ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं. नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल. टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कि क्या आप चीजों को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं. सिर्फ टाइम को मैनेज नहीं करना है, आपकी चीजों को ऑर्गेनाइज भी करना है. तो सबसे पहले आप, जैसे आपको एक दिन में 10 काम है, आप क्या बोलेंगे, अरे देवा 10 काम मेरे, अब मैं कैसे करूं?
आपको क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है. आपको एक पेन और नोट करना है कि इसमें पॉइंट नंबर वन इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट नंबर टू इंपॉर्टेंट क्या है, पॉइंट नंबर थ्री इंपॉर्टेंट क्या है. सेट एंड प्रायोरिटाइज योर गोल्स, क्रिएट अ स्केड्यूल. जैसे अभी आपको मैंने बताया 1 2 3 4 5, ये आपका स्केड्यूलिंग है. मेक लिस्ट ऑफ टास्क, ठीक है. अब ये जरूर आज आपको जरूरी नहीं है यूज डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन टूल, लेकिन जब आप आगे जाकर ऑफिस में जाते हैं, हम लोग जैसे कैलेंडर बनाते हैं, टू डू टास्क बनाते हैं, है ना, आप रिमाइंडर देते हैं खुद को, तो ये सब चीजें आप टेक्नोलॉजी के साथ कर सकते हैं. और ब्रेक लार्ज टास्क इंटू स्मॉल टास्क. यस, तो अगर मुझे मेरे ग्रेजुएशन में 70% चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, हर असाइनमेंट में 7 या 7.5 चाहिए, हर सेमेस्टर में मुझे 70% चाहिए, तो ही तो मैं ओवरऑल एग्रीगेट 70 ला पाऊंगा. सो यू हैव टू ब्रेक द लार्ज टास्क इनटू स्मॉलर वन, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट पॉइंट इज हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड अ बैलेंस्ड डाइट. जैसे कि हम बोलते हैं, रिसर्च में ऐसा बोला गया है कि अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हैं, आप अगर टाइम के साथ नहीं खाते हैं, तो क्या होता है, आपका लाइफस्टाइल बिगड़ जाता है, और उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है. आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, आप स्लो हो जाते हैं, आपको लेजीनेस आता है. तो इसलिए आपको क्या करना है, यू नीड टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा मेडिटेशन और अ बैलेंस डाइट. टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, दिस ऑल थिंग्स आर सो इम्पॉर्टेंट दैट ओवरऑल इट हेल्प्स यू टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव. सो लेट्स समराइज, दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न टूडे. अब एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए, ये मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा, और इसमें से क्या आपको प्रॉब्लम आता है, ये हम लोग कल सुबह सेशन स्टार्ट जैसे होगा उसमें लेंगे. लेकिन ये सारी चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए. मैं फिर से एक बार आपको समराइज कर रहा हूँ. स्ट्रेस मैनेजमेंट मीनिंग आप स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस से आप भाग नहीं सकते. हाँ, स्ट्रेस को अवॉइड कैसे करना है और रिड्यूस कैसे करना है, ये हम सीखेंगे. सो एक्सरसाइज करना, जो चीजें मुझे पसंद आती है यानी कि अपनी हॉबीज, उसको करना, एटलीस्ट खुद को दिन भर में आधा घंटा देना, और एक 7 आवर्स का साउंड स्लीप. सेकंड, सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, मुझे अंदर से खुद को एनकरेज करना है कि मैं कर सकता हूं, मैं परफॉर्म कर सकता हूं. हमेशा जरूरी नहीं कि कोई आपको बाहर से बोलेगा, उसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन. तो सेल्फ मोटिवेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कि आपको धीरे धीरे खुले सपने देखना खुली आंखों से, है ना, जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें जीना, वो आपको करना पड़ेगा. थर्ड चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपका नहीं रहेगा, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे और आपको इनडायरेक्टली स्ट्रेस आएगा. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, खुद पे भरोसा रखना कि आप कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस. टाइम को मैनेज करना सीखना, कैसे करेंगे, तो स्केड्यूलिंग करेंगे, चीजों को प्रायोरिटाइज करेंगे, नोट बनाएंगे कि मेरे लिए पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री कितना इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में मेरा हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और मेरा बैलेंस डाइट क्या है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मुझे करना है, ठीक है. सो आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं. ये चीजों को आपको अच्छे तरीके से समझना है, खुद में देखना है कि अब हमने बहुत सारे स्ट्रेंथ देखे, तब आपको समझना है कि आपके स्ट्रेंथ कौन से, आपको समझना है आपका वीकनेस कौन सा है, कौन सा वीकनेस मेरे लिए बहुत तकलीफ वाला है जो मुझे करियर में तकलीफ देगा, तो क्या मैं उस वीकनेस को चेंज कर सकता हूँ क्या. अगर मेरा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, अगर मैं बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, तो क्या मैंने इंग्लिश की बुक पढ़ना चाहिए, क्या मैंने इंग्लिश की क्लास लगाना चाहिए. मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा स्टेज फियर है, तो क्या मैंने पब्लिक स्पीकिंग, 4 लोगों के सामने बात करना चाहिए, धीरे धीरे मैं करूंगा तो वो दूर हो जाएगा. सो दिस इज कन्वर्टिंग वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ. उसके बाद हमने देखा आपका गोल सेटिंग. तो गोल सेटिंग में हमने 5 पॉइंट पढ़े, जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट. आपका जो गोल होना चाहिए वो कैसे सेट करेंगे, आप स्मार्टली सेट करेंगे, स्पेसिफिक रहेगा, मेजरेबल रहेगा, एक्शनेबल रहेगा,
रियलिस्टिक रहेगा, इसको हम बोलते हैं अचीवेबल रहेगा, और आखिरी टाइम ओरिएंटेड रहेगा। उसके बाद हमने ये स्लाइड देखा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स एंड टिप्स, जहां पर कि मेरे लिए किस तरीके से स्ट्रेस को रिड्यूस करना, खुद को एनकरेज करना या मोटिवेट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना, टाइम मैनेजमेंट करना प्रैक्टिस के साथ, एक हेल्दी लाइफ करना चाहिए। तो मैं आज का मच अभी मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जो मैं आपको आज पढ़ाया हूँ, मैं आपको थोड़े में नोट्स भेज दूंगा, आप अच्छे तरीके से उसको समझिए, और आपको जो भी डाउट है कल सुबह जब हम लोग रिकैप करेंगे वहां पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन प्लीज खुद के स्ट्रेंथ वीकनेस और गोल सेट ये चीजें हो जाती। थैंक यू।